नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में OnePlus 9 Pro versus Vivo X60 Pro का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो OnePlus 9 Pro में 6.43 इंच जबकि Vivo X60 Pro में 6.24 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि OnePlus 9 Pro से कम है। विड्थ की बात करें तो OnePlus 9 Pro में 2.9 इंच जबकि Vivo X60 Pro में 2.88 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। बात करें थिकनेस की तो OnePlus 9 Pro में 0.34 इंच जबकि Vivo X60 Pro में 0.3 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो OnePlus 9 Pro में 197 ग्राम जबकि Vivo X60 Pro में 179 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो OnePlus 9 Pro में फ्लूइड AMOLED जबकि Vivo X60 Pro में AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही OnePlus 9 Pro में 20:9 जबकि Vivo X60 Pro में 19:8:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो OnePlus 9 Pro में 6.7 इंचेस जबकि Vivo X60 Pro में 6.56 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन OnePlus 9 Pro में 1440x3216 और Vivo X60 Pro में 1080x2376 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो OnePlus 9 Pro में 90.23% जबकि Vivo X60 Pro में 89.55% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो OnePlus 9 Pro में 526 पिक्सल प्रति इंच जबकि Vivo X60 Pro में 398 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो OnePlus 9 Pro में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है और Vivo X60 Pro की बात करें तो इसमें भी हमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो OnePlus 9 Pro में 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Vivo X60 Pro की बात करें तो उसमें 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो OnePlus 9 Pro में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 6 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और Vivo X60 Pro में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो OnePlus 9 Pro में Adreno 660 जबकि Vivo X60 Pro में Adreno 650 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो OnePlus 9 Pro में Qualcomm Snapdragon 888 और Vivo X60 Pro में Qualcomm Snapdragon 870 मिलता है। बात करें RAM की तो OnePlus 9 Pro में 8 GB जबकि Vivo X60 Pro में 12 GB मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो OnePlus 9 Pro में 128 GB जबकि Vivo X60 Pro में 256 GB मिलती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी दोनों फोन में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी OnePlus 9 Pro में 4500 mAh जबकि Vivo X60 Pro में 4200 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो OnePlus 9 Pro में 3 कलर्स जबकि Vivo X60 Pro में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो OnePlus 9 Pro की 64,999 रुपीस जबकि Vivo X60 Pro की
49,990 प्राइस देखने को मिलती है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो OnePlus 9 Pro में 4 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Vivo X60 Pro की तो उसमें 7 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में OnePlus 9 Pro आगे है। मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है, इंटरनल मेमोरी में Vivo X60 Pro आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें एप्पल आईफोन 12 है जो कि 70,900 रुपए में मिलता है। दूसरा OnePlus 8T है जो कि 38,999 रुपए में मिलता है। तीसरा सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा है जो कि 93,150 रुपए में मिलता है। और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें OnePlus 9 है जो कि 49,999 रुपीज में मिलता है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।